الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموالهم ظلما إن الذين يأكلون أموالهم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا مختصر حمد و صلاة و بعد अज़ीज़ भाइयों अल्लाह ताला दा नहायत ही शुक्र है कि जिंदी तौफीक के खास नल असी अल्लाह दे घर अंदर जमा होया। मैं दुआ करना अल्लाह तुहाडा एक एक मिनट दा बैठना इंतज़ार करना अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं तुहाडे कोलों एक गल पूछा, क्या तुहाडे चो किसे बंदे ने ऐसा दरख्त वेख्या है कि जिस दरख्त नूं पैसे लगदे होण? तो यकीनी बात है कि तुसी जरूर कहोगे कि असी अज तक ऐसा दरख्त वेख्या भी नहीं ते है भी नहीं। लेकिन अगर तुसी पूरी तवज्जो रखो ते पूरा गौर रखो पूरे जौक नाल हमदर्दी नाल, तो मैं तुहानू एक दरख्त के बारे दसा कि उस दरख्त नू पैसे लगते ने। सानू जिन्नी जरूरत पवे असी उस दरख्त तो पैसे ले लैने। सानू जदों भी कोई टेंशन बने उस दरख्त तो पैसे लैके इस्तेमाल करने आ, और उस दरख्त का नाम है वालद। जिहड़ा दरख्त हर घर के अंदर मौजूद है, दुआ करो अल्लाह इस दरख्त के साए नूं जिन्हां दा साया मौजूद है अल्लाह ता देर तक अल्लाह सलामत रखे। मेरे प्यारे भाइयो, ये दरख्त बड़ा प्यारा है, इंदी छां बड़ी प्यारी, और
इस दरख्त की छां का उस बंदे को पुछो कि जिस घर चो इस दरख्त का साया खत्म हो चुका है। तो जदों ये दरख्त का साया मुक जाता है ना तो उदो बंदा यतीम हो जाता है। लोग कहते हैं फलाना बंदा यतीम हो गया है। और इस दरख्त की शान उन्हों पता है कि जदों एक वालद दुनिया तो चला जाता है बेटे यतीम हो जाते ने औरत बेवा हो जाती है तो उस औरत को पुछो कि खावंद दे जान तो बाद इस साया मुक जान ते बाद अपने बच्चियां दी तरबियत करना कितनी मुश्किल होंदी है, अपने बच्चियां नू पालना किड्डा मुश्किल होंदा है। ए कुछ साल पहला ना एक नवाए वक्त ते खबर चली कि बंगलादेश की एक औरत ने इश्तहार दे अंदर ये रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं अपनी एक अख वेचना चाहनी हाँ। तो लोगों ने पूछा भी एडा कीमती हिस्सा अख तू क्यों देना चाहनी है। उन्हें आख्या सलंदर गल आ कि मेरे सिर का ताज दुनिया तो चला गया है तो मैं बड़े लोगों के अगे सवाल किया है मेरे छोटे छोटे यतीम बच्चे ने तो उन्होंने पालना भी तो है ना तो मेरे को इन्ने पैसे नहीं तो मैं ये फिर जेन बनाया कि अपने जिसम का कोई हिस्सा वेच के ही उन्होंने परवरिश करा। तो मेरे मोहतरम भाईओ ये जड़ा बंदा दुनिया तो चला जाता है एक वालद दुनिया तो चला जाता है उस तो बाद जो बच्चे छोटे छोटे यतीम हो जाते ने इन्हों की कफालत करना इन्हों की जिम्मेदारी उठाना। असी समझ रहे हैं कि जिस घर के अंदर कोई बच्चा यतीम है उस घर की ही जिम्मेदारी है कि उस बच्चे का खाने का इंतजाम करन उनके दुख सुख अंदर शरीक होन। लेकिन इस्लामी तालीम सानू ये दस दी है कि अगर पूरे शाहकोट के अंदर एक भी बच्चा यतीम है तो पूरे शाहकोट के मुसलमाना की जिम्मेदारी है उस यतीम बच्चे की कफालत करना उस बच्चे का ख्याल करना। तो मेरे मोहतरम भाइयो मैं बड़े इख्तसार नाल आज मौजू बयान करना है यतीमां दी कफालत के हवाले दे नाल। तो मैं फिर तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि तुसी इंतज़ार किया रस्से अंदर को मामला पेश आ गया गड्डी दी वजह तो लेट हो गया। दुआ करो अल्लाह जिन्नी देर भी बैठिए अल्लाह एक एक मिनट बैठना कबूल फरमा लै। तो आइए मैं जिस मौजू का आगाज करना है सब तो पहला उस यतीम की गल करनी है कि जिस यतीम जिहा दुनिया अंदर आया ही कोई नहीं और वह कौन है। उन्हों का नाम है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने मेरे पैगंबर नू यतीमी दी हालत अंदर किवें दिलासा दिता तवज्जो रखना। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दा नाम आवे दरूद नू प्यार नाल मोहब्बत नाल सारे पढ़ लो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नादल होन वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे फरमाया वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवाम। कहो सुभान अल्लाह। परेशान नहीं होना मैं इख्तसार नाल इंशाल्लाह वक्त ही मुकम्मल करांगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो रखना दरा। फरमाया मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया महबूब अलम यजिद का यतीमन फआवा। सोनिया
असी तुहानू यतीम पैदा फरमाया, यतीम बन के आए मेरे पैगंबर। ते सोणिया असी तुहानू यतीम पैदा फरमा के कल्या नहीं छड़िया, फरमाया सोणिया तुहानू शाना अता कीतियां, तुहानू मर्तबा अता कीता, अजमत बुलंद कीती। हजरात मोहतरम एसीटी वाली बात बंद करो जरा, मेरे पैगंबर जदों दुनिया ते तशरीफ लैके आए, अल्लाह दे पैगंबर सैयदना आमिना दी गोद दी अंदर मेरे पैगंबर ने जनाब अख खोली गए, और मेरे पैगंबर दे वाल दे मोहतरम जनाब अब्दुल्ला दुनिया तो पहले ही तशरीफ लै गए। ते मेरे पैगंबर अम्मा जी हलीमा 6 साल मेरे पैगंबर दी परवरिश कर दी रही, 6 सालों तो बाद मेरे पैगंबर हिमाई हलीमा अम्मा हलीमा मेरे पैगंबर दी रदाई वालिदा है। मेरे पैगंबर 6 सालों तो बाद वापस मक्के दे अंदर आए ना, ते मां आमीना दी गोद दे अंदर, ते मां आमीना मेरे पैगंबर नू लैके मुकाम अबवा ते पहुंचिया। कायनात दे लोगो मकाम अबवा ओ जगह है जिस जगह ते मेरे पैगंबर दे वालदे मुहतरम दी कबर है। अल्लाहु अकबर अल्लाह, मेरे पैगंबर दी वालदा जदों उत्थे पहुंचिया ना, अल्लाह दिया मर्दियां अल्लाह दा कानून है, हर बंदे ते मौत आ के रहनी है। वीर जी मैं ते इंज कहांगा, दुनिया ते आन दी तरतीब है, पहले मेरा बाप आया फिर मैं आया फिर मेरा छोटा वीर आया, दुनिया ते आन दी तरतीब है पर दुनिया तो जान दी कोई तरतीब नहीं। किसे वक्त भी मौत आ सकती है, किसे वक्त भी पैगाम आ सकता है। अम्मा जी आमीना ते मौत दा वेला आ गया, अल्लाहु अकबर शाह कोटिया किड्डा दर्दनाक मौका होएगा जदों मां आमीना मेरे पैगंबर ते आखरी नजर पांदियां होणगियां। किड्डा दर्दनाक वेला होएगा जदों मां आमीना मेरे पैगंबर दा मत्था चुमदियां होणगियां, ते कहिंदियां ते होणगियां पुत्तरा मैं तेरियां जवानियां वेखदी, दिल ते बड़ा करदा सी मैं तेरियां शाना वेखदी। अल्लाहु अकबर अम्मा जी आमीना दुनिया तो टुर गईयां, फिर ना मेरे पैगंबर मक्के दे अंदर आ गए। अल्लाह ते सरदार अब्दुल मुतलब यानी आप दे दादा जान ने आप दी परवरिश कीती, आप दा ख्याल कीता। अल्लाहु अकबर अल्लाह, ते मेरे पैगंबर तो एक वक्त आया दादा जी भी दुनिया तो टुर गए, एक एक साया टुर गया। ते मक्के दे लोग गल्लां करदे ने हुण सारे टुर गए ने, हुण किन्ने ख्याल करना है, हुण कोई नहीं पुछण वाला। आसमान तो कुरान आ गया, फरमाया सोनिया अलम यजिद का यतीम अनफावा, सोनिया असी तेनू कल्या नहीं छड़िया, असी तेरे नाल आ। सही मुस्लिम अंदर आंदा है, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर नू दिलासा तो मिल गया है, लेकिन सही मुस्लिम अंदर आंदा है मेरे पैगंबर फिर भी कल्या बैठिया बैठिया अपनी अम्मा नू याद करन लग पैंदे। अल्लाह ते याद आ भी जांदी है, दुख सुख दे वेले आना ते बिछड़े याद आई जाया करदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह, तवज्जो रखना जरा, अम्मा जी आमीना अल्लाह मेरे पैगंबर सही मुस्लिम अंदर आंदा है। एक दिन अल्लाह दे पैगंबर अपने सहाबा नू लै के मुकामे अबवा ते पहुंच गए ने, ते मेरे पैगंबर एक कबर ते खलो के जारो कितार रोई जा रहे ने, सहाबा भी रोन लग पे। ते नबी पाक फरमाते ने सहाबियो तुसी क्यों रोंदे पे हो, ते सहाबा कहिंदे ने सुनिया तुहानू रोंदियां वेखिया है ते सानू भी रोन आ गया है, एक किंदी कबर ते खलो के रोंदे पयो। ते मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो ए मेरी अम्मा आमीना दी कबर है, ए मेरी वालिदा आमीना दी कबर है। अल्लाहु अकबर अल्लाह, कायनात दे लोगो हुण जरा तवज्जो रखिया जे, मेरे पैगंबर ने यतीम
ਜਿੰਨੀ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਤੁਲ ਯਤਾਮਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਮ ਯਜਿਦ ਕਾ ਯਤੀਮਨ ਫਾਵਾ ਵਵਜਦ ਕਾ ਜ਼ਾਲਨ ਫਹਦਾ ਵਵਜਦ ਕਾ ਆਇਲਨ ਫਅਗਨਾ ਫਅਮਲ ਯਤੀਮ ਫਲਾ ਤਕਹਰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਾਮ ਸੁਣੀਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸੂਰਾਤੁਨ ਨਿਸਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ 22 ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਤੁਲ ਯਤਾਮਾ ਅੰਬਾਲਹੁਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇਨਹੁ ਇਨਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਇਨਹੁ ਕਾਨਹੁ ਬਨ ਕਬੀਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਦਰਾ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰੋ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹੀਹ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹਦੀਸ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹੀਹ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਦਸਨਾ ਅਮਰ ਇਬਨ ਜ਼ੁਰਾਰਤਾ ਕਾਲ ਅਖਬਰ ਅਬਦੁਲ ਅਦੀਦ ਇਬਨ ਅਬੀ ਹਾਦਿਮਿਨ ਅਨ ਅਬੀਹਿ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਾਲ ਰਸੂਲੁਲਾਹਿ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਦਰਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਣਾ ਵਕਾਫਿਲੁਲ ਯਤੀਮ ਆਣਾ ਵਕਾਫਿਲੁਲ ਯਤੀਮ ਆਣਾ ਵਕਾਫਿਲੁਲ ਯਤੀਮ ਅੱਲਾਹ ਕਦਾ ਫਿਲ ਜੰਨਾ ਅੱਲਾ ਵ ਅਸ਼ਾਰਾ ਬੀ ਸਬਾਬਤੀ ਵਲ ਮੁਸਤਾ ਵਫਰਜ ਬੈਨਹੁਮਾ ਸ਼ਈਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਦਰਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਲਦੀਨਾ ਯਾਕੁਲੂਨਾ ਅਮਵਾਲਹੁਮ ਜ਼ੁਲਮਾ ਇਨਲਦੀਨਾ ਯਾਕੁਲੂਨਾ ਅਮਵਾਲਹੁਮ ਜ਼ੁਲਮਾ ਇਨਮਾ ਯਾਕੁਲੂਨਾ ਫੀ ਬੁਤੂਨਿਹਿਮ ਨਾਰਾ ਵਸਯਸਲੂ ਸਈਰਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਨਹਾਕ ਮਾਲ ਖਾਂਦਾ ਏ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਨਹਾਕ ਮਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ ਇੰਜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਏ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਦਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ
की वेखिया एक बंदा है उनके होंठ ऊंठां दी तरह ने यानी बड़े बड़े ऊंठ ने ते जनाब फरिश्तियां ने उनका मुंह खोलिया है ते मुंह खोल के उनके मुंह दे अंदर इंज अग दा अंगारा रख देंदे ने ते पेशाब दे रस्ते थां दी अग बाहर पई आंदी है अग दा अंगारा बाहर पिया निकलदा है ते जबील कहंदे ने सोहणिया ये किहड़ा बंदा है इहनू क्यों सजा पई मिलदी है मेरे नबी ने फरमाया फरमाया ये ओ बंदा है जिहड़ा यतीमा दा माल खाण वाला ओ बंदा है जिहड़ा यतीमा दा हक खाण वाला शाह कोटियो अज दा पैगाम नोट कर लो मेरे आन दा मकसद पूरा हो जाए मंग के खा ले उधार लैके खा ले पर किसे दा हक ना खावी किसे यतीम दा हक ना खाई जान दियो किन्ना नुकसान हुंदा है जान दियो इहदा किड्डा नुकसान हुंदा है एक मुहक्कक बंदे ने मैनू गल सुनाई एक आलमे दीन बयान करदा है कहिंदा है मैं गया कब्रस्तान दे अंदर मेरी वालदा फौत हो गई सन ते मैं उन्हां वास्ते दुआ करन वास्ते गया ते जदों मैं दुआ करन लगा ना दो चार कबरां छड के एक कबर ते एक खतून खड़ी है उन्दे दो छोटे छोटे बच्चे ने ते इंज हाथ चुक दिए ते कहिंदी अल्लाह सोहणिया ऐ जड़ी कबर ए इहनू अग नाल भर दे इस कबर दे विच अग नाल फरमा दे ते उह कहिंदे ने मैं अपनी दुआ छड़ी ते मैं दौड़ करके उस खतून दे कोल चला गया मैं आख्या बीबी इत्थे ते दुआवां दी लोड़े तू बस दुआवां पई करनी है तू इस कबर वाले वास्ते क्यों पई बस दुआ करनी है ते उन्हें आख्या वीरा गल ए वे ऐ मेरियां छोटियां छोटियां दो बच्चियां ने उहदे नाल ओए मैनू दस ना ओए जदों छोटे छोटे बच्चे हाथ चुकदे होणगे ना आसमान ते रब दा अर्श कंबिया ना होएगा कहिंदी है मेरियां यतीम छोटियां छोटियां बच्चियां ने क्या जिहड़ा कबर विच पिया है ना ये पिंड दा नंबरदार ते चौधरी ते पैसे वाला बंदा सी ना इहदियां बड़ियां गल्लां बातां सन मेरा एक पलार सी उस पलार ते ने नजायज कब्जा कर लिया मैं कुछ ना कर सकी सारे पासे गई किसे भी मेरी गल ना सुनी मैं सबर करके बह गई एक वक्त आया हार्ट अटैक नाल मर गया कबर विच प्याए ते मैं बच्चियां लैके रुलदी फिरनियां उस दिन दा मैं तहैया कर लिया है जिन्नी देर जिंदा रहना है इंदे वास्ते बद्दुआवां करनियां ने अल्लाह इंदी कबर नूं अग नाल भर दे वीर जी वेखी कोई खतून इंज दी छड के ना जावी जिहड़ियां बद्दुआवां करदी रवे फरमाया इनल्लज़ीना याकुलूना अमवालहुम ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयसलूना सहीरा अल्लाहू अकबर एक तीसरा मुकाम सुनी अल्लाह दे कुरान दा बड़ा प्यारा मुकाम है जरा तवज्जो नाल सुनिया जे वक्त थोड़ा है मैं गल तुहाडे कोल पल्ले पाणी है मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाया वा अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना वकाना तख्तहु कंजुल्लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा अल्लाहु अकबर जान दियो इत्थे किंदी गल पई हुंदी है एक अल्लाह दा नबी है एक अल्लाह दा वली है नबी दा नाम मूसा है वली दा नाम खजीर है ते दोवें कंध पे बनांदे ने एक गारा पिया दोंदा है ते एक कंध पिया बनांदा है एक मजदूर बनया है एक मिस्री बन गया है शाह कोटिया नबियां दा कम कंधा बनाना नहीं हुंदा नबियां दा कम दीवारा सीधियां करना नहीं हुंदा लेकिन अज मूसा नबी उलूल आदम पैगंबर मिट्टी
पिया गोंदा है ते दीवार पिया बनांदा है, वली भी मिट्टी पिया लगांदा है। अल्लाह सोणिया मूसा पुछदे ने ऐ सवाल कीता गया है दीवार दे बारे, फरमाया इस दीवार दे थल्ले यतीमां दा खजाना है, इस दीवार ते थल्ले यतीमां दा महाल है, इस दीवार दे थल्ले यतीमां दे कुछ पैसे ने। ते मैं रब नहीं चाहता दीवार डिग पवे ते यतीमां दा माल लोकी लह जान, मैं रब पसंद नहीं करदा। मूसा मैं तेरी ड्यूटी लगाई है, तू मेरा नबी उलुल आदम पैगंबर, ओए खदीर तेरे कुल बड़ा इलम है, लेकिन बना गारा आज दीवार करके वखा। मैं लोकां नू कियामत तक दसा नबी दीवार पिया बनांदा है, वली दीवार पिया बनांदा है। मैं लोकां नू दसना चाहना वा यतीम दे माल दी कदर किन्नी है। नबी दीवार बना रहे हैं ते इत्थे पलाड़ ते कब्दे पई हुंदे ने, ये तो कहिंदा SHO भी मेरे नाल है और सारे ही मेरे नाल है, मारो रजिस्ट्री मेरे नाम दी, कोई नहीं पुछण वाला। ओए मन्या तैनू कोई नहीं पुछण वाला, सब तेरे नाल ने, पर अल्लाह दी अदालत अंदर तैनू छुड़ाण वाला कोई नहीं दा। अज तेरी वारी है, कलों दी वारी है, अज यतीम दे माल ते कब्जा करना है, अज ओंदी वारी है, कल अल्लाह दी अदालत अंदर तेरा गिरेबान होएगा, फिर ओंदी वारी होएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना जरा, गौर कर दे जाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलुना, समझ आ रही कि नहीं आ रही, फरमाई अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना जरा, इन्नल्लज़ीना याकुलुना अम्वालहुम ज़ुल्मा इन्नमा याकुलुना फी बुतूनिहिम जिंदी कोई तहकीक मौजूद है। अल्लाह ते करना इस वासियां ताके वीरो सबक मिल जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना जरा, कई ऐसे बंदे ने और नेकियां काम भी करना लेकिन यतीमां दा भला कर लैन, गरीबां दी मदद कर लैन, अल्लाह पता नहीं केड़ी नेकी कबूल कर लवे। वीर जी नेकियां सी बड़ियां करने आ, लेकिन नेकी ओ ये जड़ी रब दे हां कबूल हो जांदी है, सानू ते भी नहीं पता। असी नमाज़ा पढ़ने आ, जुमे पढ़ने आ, पता नहीं केड़ियां केड़ियां कमियां ने साडे दे अंदर, साडे दे अंदर। अल्लाह अकबर, दुआ करो अल्लाह नेकियां कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना दराओ, मैं दसना चाह रहा सा कई ऐसे बंदे ने अमल भी इन्ना नहीं करते, नमाजा भी नहीं पढ़ते, लेकिन कोई ना कोई अदा अल्लाह नू बड़ी पसंद आती है। एक सहाफ़ी है जिंदा नाम जावेद चौधरी, बड़ा मरूफ बंदा, उन्हें अपने कालम के अंदर एक बात लिखी, कहन लगा एक बंदा अब्दुल गफूर हुंदा नाम, लाहौर दे रहन वाला, एक फैक्ट्री विच कम करदा सी, मुलाजमत करदा सी, ते हालत आ नमाज भी नहीं सी पढ़दा, रोदा भी नहीं सी रखदा, कोई नेकियां नहीं सी करदा, ते उल्टा हालत हुंदी ए सी, फैक्ट्री दे विचों चीज़ां चोरी कर करके लै आंदा। एक दो दफा इंज होया, फैक्ट्री वालियां नूं कढ़न दा प्रोग्राम बनाया, यार तू बंदा चोर है, तैनूं असीं नहीं रख सकदे, फिर तरस आया, फिर रख लिया, फिर चोरी की, फिर तरस आ गया। होया एवे जरा फैक्ट्री का मालिक के ना, हर साल कुरान दादी की जाती है, एक बंदे नू उमरे ते भेजा जाता है, हर साल कुरान निकलता है ना, एक साल कुरा डालिया गया ते नाम उस बंदे अब्दुल गफूर का निकल आया, यानी चोर का निकल आया, जरा फैक्ट्रिया चो चोरिया कर दे। अगला जनाब साल आया, एक साल जदों कुरा डालिया, उन्हें नाम
निकलिया। उन्हें आख्या जा बई उमरे ते, उन्हें साफ साफ इनकार कर दिता। कहिंदा मैं नहीं जाना चाहता, मैनू ते हज का जनाब हज का तरीका भी नहीं आता, मैं नहीं कर सकता हज, मैं तीन बार कभी पढ़ के वेखी नहीं। अल्लाह अकबर उन्हें गल टाल टुल दी। अगला साल फिर आया, हज का मौका आया, कुरान दादी की गई ते नाम फिर अब्दुल गफूर दा ही निकल आया। उस अल्लाह किवें अपने बंदे नाल प्यार कर दे, और तू कोई नेकियां ते कमाना, कोई एक अदा रब नू पसंद आ जांदी है। फिर उहदा नाम निकल आया। उन्हें आख्या तैनू जाना पैगा। उन्हें आख्या नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाना हज ते। उन्हें आख्या यार गल की है? उन्हें आख्या बस मेरी कोई मजबूरी है, मैं हज ते नहीं जाना। दो साल गुजर गए, तीसरा साल फिर आया। उन्हें फिर कुरा डालिया ते फिर नाम अब्दुल गफूर दा निकल आया। उन्हें आख्या यार ऐत की तेनू नहीं छड़ना, हर साल तेरा नाम निकल आने अंदर कोई हिकमत है कि तेनू जाना पैगा। उन्हें फिर इनकार किया। उन्हें आख्या चलो इंज करने आप कुरा दोबारा डालने, इनके नाम की एक खाली परची सुट देने, वेखने निकलती है कि नहीं निकली। खाली परची सुटी, कुरा डालिया ते खाली परची निकल आई है। उन्हें आख्या हुण ते तेनू जाना पैगा, अगर तेरे को खर्चे का मसला है, तेनू तनखावां एडवांस मिल जाएगियां, तेरे बच्चियां दा ख्याल असीं करांगे। चला गया हज ते, उहनू तरीका सिखा दिता गया। ते जदों हज ते गया है ना, हज मुकम्मल कर लिया, इशा दी नमाज दा वक्त है, ते नमाज दे विच मौत आ गई है। नमाज दे ओए मरना ते है ये, दुआ कर अल्लाह नमाज पढ़ दी मौत आ जाए। अल्लाह मक्के मदीने दी मौत दे दे, अल्लाह अपने शहर मदीने दे अंदर बुला लवे। अल्लाह अकबर, अल्लाह होया कि ये मौत आ गई है। उंदी बीवी कोल पुछया गया, हां भाई की करना है? उन्हें आख्या इंज करो ना, उत्थे दफन कर दियो, सीथे मंगवा के की करना है, उंदे नालों बेहतर केड़ी जगह है। होया कि ये दफन कर दिता गया, गुसल दिता गया, दफन कफन दा जनाब इंतजाम कर दिता गया। जड़ा फैक्ट्री का मालक की ना, उन्दे घर की पूरी खबर रखता है, खान पीन देता है, बच्चियों का ख्याल। एक दिन पुछता है, उन्हें आख्या लालिए कोई अपने खामद की एक अदा ते दसना, जड़ी अदा रब नू पसंद आ गई है। सानू तो यही पता है चोरियां करता सी, सानू तो यही पता है नमाजा नहीं सी पढ़ता, सानू तो यही पता है कुने कमल नहीं सी करता। लोग तरसते ने मक्के की मौत नू, उन्हू मक्के विच आईए ते फजर दी नमाज तो बाद जनादा कई हाजियां ने पढ़िया है, लखां हाजियां ने उस चोर दा जनादा पढ़िया। उन्हें आख्या कोई होर ते खास नेकी नहीं दी, बस एक नेकी मैनू बड़ी याद है। उन्हें आख्या बीबी दस केड़ी नेकी है? उन्हें आख्या इस महल्ले दे अंदर एक बेवा औरत रहिंदी है, ते उहदियां छोटियां छोटियां यतीम बच्चियां ने, यतीम बच्चे ने, घर कुछ नहीं सकदी, कमा नहीं सकती। ते मेरा जिहड़ा खामद सी ना, आपने कोलो खर्चा दिंदा सी, ते जदों पैसे नहीं सी हुंदे ते चोरी करके उस औरत नूं दे दिंदा, चोरी चीज़ां चुकदा ते लिया के पैसे उहदी तली ते रख दिंदा। उहने कदी यतीमां दा चुल्हा नहीं सी बंद होण दित्ता। ते मेरे खामद दी सिफत वे, उहने बच्चियां नूं स्कूले दाखल करवाया, उहनां दीआं फीसां वी मेरा खामद ही दिया करदा सी, इंज कफालत करदा रहा। ते ओ मालक कहन लगा, बीबी अल्लाह दा शुक्र करना, तेरे खामद दी नेकी अल्लाह ने कबूल कर ली है, वेख किथे मौत आई है, वेख किथे दफन कीता रब ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह, अल्लाह दे बंदो यतीमां नाल प्यार करो, यतीमां दी कफालत करो, यतीमां दा हक ना खाओ, यतीमां दा हक ना खाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह, अल्लाह दा कुरान बयान कर दे, फरमाया जनाब अच्छे तरीके ना रिया कर। अल्लाह जदों बाप टुर जांदा है ते वीरां तो बगैर जनाब भैणा दा कोई नहीं होया करदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना जरा मेरे पैगंबर
पैगंबर एक गदबे ते गए ने ते जदों गदबे तो वापस आंदे पै ने ना हजरत जाबर नाल ने हजरत जाबर फरमांदे ने रजी अल्लाहु तआला अन्हो फरमांदे ने अचानक मेरे ऊंठ नूं पता नहीं की मसला बन गया चलदा ही नहीं पिया ते मैं आख्या मैं मदीने जांदियां नाल इहनूं फरोख्त कर देना मैं नहीं रखना अल्लाहु अकबर हजरत जाबर फरमांदे ने इन्नी देर नूं नबी पाक दी पिछों आ गए अल्लाहु अकबर फरमाया जाबर की बनिया है सोहणिया मेरा ऊंठ चलदा ही नहीं पिया कमजोर हो गया पता नहीं की बनिया हजरत जाबर फरमांदे ने इन्नी देर कि नबी पाक ने ऊंठ दी मुहार तो पकड़िया जेड़ा चलदा नहीं सी उन्हें चलना शुरू कर दिता जेड़ा कमजोर सी उन्दे अंदर ताकतां गईयां अल्लाहु अकबर हजरत जाबर फरमांदे ने मैं भी टुरदा पिया वां नबी पाक भी मेरे नाल नाल जांदे पए ने ते नबी पाक फरमांदे ने जाबर क्या शादी करवा लईयू ऐ सुनिया जे गल ते हजरत जाबर फरमांदे ने सोनिया जी शादी करवा लईए फरमाया तुम्हारी औरत नाल करवाईए या बेवा औरत नाल की सोनिया बेवा औरत नाल शादी की नबी पाक फरमाते ने जाबर तू ते जवान से कोई कवारी औरत नाल शादी कर दा हजरत जाबर फरमाते ने सोनिया मेरिया छोटिया छोटिया यतीम भैणा ने छोटिया छोटिया यतीम बच्चिया ने ते मैं बेवा नाल शादी ता की ताकि उन्हां दी तरबीयत चंगी हो जाए कवारी औरत नाल शादी ता नहीं की समझदार है ताकि बच्चिया के कपड़े भी धो तो दे बच्चियां दी तरबियत भी अच्छी कर देंदी है सोनिया मैं इन्नी गल ते खुश हो जाना वा चल मैं ते अपना अपनियां ख्वाहिशां नूं दबा लिया है पर मेरियां यतीम भैणां ते पलदियां पईयां ने यतीम भैणां दा तां भला हो गया है अल्लाहु अकबर अल्लाह दा कुरान बयान कर दे अज मदा ते तां है ना इत्थों जुमा पढ़ के जाना है मैं शुरू अंदर ये बात कही है एक घर दे विच यतीम है कोई जरूरी नहीं उस घर की जिम्मेदारी है पूरे शाहकोट की जिम्मेदारी है किते भी यतीम लभ जाए उन्दे सिर ते हाथ रख मेरे नबी ने फरमाया है जेड़ा यतीम बच्चे दे सिर ते हाथ रख देंदा है जिन्ने वार सिर दे थले आ जांदे ने अल्लाह उन्ने गुनाह माफ कर छड़दा है क्या तू नेकियां नहीं लैणा चाहुंदा ऐ सर्दियां दी पईए ना जिते अपने बच्चियां दे कपड़े बनवाने ने उत्थे यतीमां दा ख्याल करना है उत्थे बेवा औरतां दा ख्याल करना है ये नेकियां रब नूं बड़ियां पसंद ने अल्लाह दा कुरान बयान करदा है फरमाया वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा बद्दा करब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला वल सौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमल फआवा दुआ करो अल्लाह सानू यतीम बच्चियां नाल प्यार करन दी तौफीक दे अल्लाह गरीब ते मस्कीन लोगां दी खिदमत करन दी तौफीक दे अल्लाह बेवा औरतां दी अल्लाह कफालत करन दी तौफीक अता फरमाए ए ओ नेकियां ने अल्लाह जानदा है जिहड़ियां नेकियां करन नाल बंदे दे मन नूं सकून पहुँचदा है बंदे दे मन नूं ठंडक पहुँचदी है एडा सकून किसे चीज़ विच भी नहीं जिड्डा सकून अल्लाह ने खैर खाई विच रखिया है किसी का भला करन विच रखिया है अल्लाह अगे दुआ है अल्लाह सानू सही मानिया दे अंदर यतीमां नाल कमजोरां नाल अल्लाह प्यार करन दी तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।